दोस्तों फिलहाल बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर 2 की एडवांस बुकिंग ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। जहां दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूं, जब कल मैंने आपको एडवांस बुकिंग अपडेट बताया था तो दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग 12% की ऑक्यूपेंसी थी, 510 शोज थे फिल्म के पास, जिसमें से 25 ऑलमोस्ट फुल थे और 40 फास्ट फिलिंग थे। लेकिन अभी की रिपोर्ट अगर मैं आपको दूं तो दोस्तों आपकी अकल बिल्कुल हैरान होने वाली है, क्योंकि फिल्म के शोज जो है वो बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं अभी की रिपोर्ट आपको दूं तो दोस्तों फिल्म के पास 600 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, जिसमें से 40 ऑलमोस्ट फुल है और 55 फास्ट फिलिंग है। ये सबसे बड़ा अपडेट अब तक निकल के आ रहा है सामने। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में कल जहां फिल्म के पास 400 शोज थे, फिल्म ने 500 शोज कर लिए अपने पास। और जबकि आपको पता है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर खड़े हैं सनी देओल के सामने। तो सनी देओल कितने बड़े सुपरस्टार हैं, सनी देओल की कितनी फैन फॉलोइंग है, बॉलीवुड के कितने बड़े एक्शन हीरो हैं सनी देओल, यह अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डेली हर एक दिन फिल्म के शोज कितनी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर वो इतिहास रचने वाली है, बॉक्स ऑफिस पर वो कारनामा करने वाली है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां दोस्तों जब हम ये कहते थे कि भैया सनी देओल की फिल्म शाहरुख खान की फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, तो लोगों को मजाक लगता था कि भैया पठान कहां, गदर 2 कहां, पठान फिल्म का रिकॉर्ड आखिर कैसे तोड़ सकती है। लेकिन अब आपके सामने है, फिल्म की एडवांस बुकिंग ने यह बता दिया है कि बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर, जो अभी तक किसी ने कारनामा करके नहीं दिखाया था वो सनी देओल की फिल्म गदर 2 करने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर 2 के एडवांस बुकिंग के बारे में, पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूं कौन से शहर में फिल्म का क्या हाल चल रहा है, कितने परसेंट की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास कितने कितने शोज हो चुके हैं, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म गदर 2 की, तो गदर 2 का फैंस को बहुत ज्यादा इंतजार था, इतना इंतजार किसी ने शायद किसी फिल्म के लिए क्या होगा। जहां दोस्तों फिल्म का जब अनाउंसमेंट हुई थी सालों पहले, तभी से फैंस इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उसके बाद जब फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ था तो फैंस खुशी से झूम उठे थे। उसके बाद फिल्म के गाने, फिल्म के टीजर, सभी को ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स मिला। यहां तक कि जब फिल्म का 26 जुलाई को शाम 7 बजे फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो फिल्म के ट्रेलर ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर अभी तक का सबसे ज्यादा ट्रेलर कोई देखे जाने वाला है तो वो है गदर 2 का ट्रेलर। जहां दोस्तों गदर 2 के ट्रेलर ने यूट्यूब पर बहुत हल्का मचाया और कई दिनों तक ये ट्रेलर ट्रेंडिंग में चला। फिलहाल उसके बाद फिल्म के मेकर्स ने कुछ लिमिटेड जगहों पर, कुछ लिमिटेड स्क्रीनों पर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू की थी, जिसको शानदार रिस्पांस मिला था। लेकिन उसके बाद जैसे ही फिल्म के मेकर्स ने देखा कि फिल्म की एडवांस बुकिंग को शानदार रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके बाद फिल्म के मेकर्स ने पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी थी, जिसको अभी तक ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म की एडवांस बुकिंग को आज 5वां दिन चल रहा है। और आपको याद रहे, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि फिल्म को रिलीज होने में अभी भी लगभग 6 दिनों का टाइम बाकी है। अभी आने वाले 6 दिनों में कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनेंगे ये तो आप सपने भी नहीं सोच सकते। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं फिल्म की एडवांस बुकिंग की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है। साल 2001 में रिलीज हुई थी सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तमाम बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए थे। पूरे वर्ल्ड में अपने लाइफ टाइम में 133 करोड़ रुपए का बिजनेस करके इतिहास रचा था। उसी फिल्म का यह सीक्वल है, उसी फिल्म का दूसरा पार्ट है, उसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन और प्रोडक्शन में यह फिल्म बनी है, जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का है। फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। लेकिन फिल्म की जितनी तारीफें करी जाए कम है। शायद इतना क्रेज पहले किसी फिल्म के लिए आपने नहीं देखा होगा जितना क्रेज फिलहाल गदर 2 के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करूं फिलहाल एडवांस बुकिंग की, तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर के अंदर 625 शोज फिल्म के पास हो चुके हैं, जिसमें से 40 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और 55 फास्ट फिलिंग है। अगर हम मुंबई की बात करें तो दोस्तों मुंबई में लगभग 11% की ऑक्यूपेंसी है, 450 से ज्यादा शोज हो चुके हैं फिल्म के पास। जहां दोस्तों 450 से ज्यादा, जब कल अपडेट मैंने आपको दिया था तो फिल्म के पास 400 शोज थे।
अब यहां पे बात करें ऑलमोस्ट फुल की, तो लगभग इसमें से 15 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं यहां पे, जिसमें से फास्ट फिलिंग 25 से ज्यादा हैं। अगर पुणे की बात करें तो दोस्तों पुणे में शानदार रिस्पांस मिल रहा है, जहां फिल्म के पास कल तक 150 शोज थे, आज फिल्म ने 220 शोज अपने पास कर लिए। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जहां अक्षय कुमार अपनी फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर खड़े हैं, वहां सनी देओल की फिल्म गदर 2 को कितना शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में उतने ज्यादा शोज इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन बहुत जल्दी यहां पे शोज इंक्रीज होने वाले हैं। फिलहाल 4% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 60 शोज हैं, जिसमें से 3 ऑलमोस्ट फुल है और 4 फास्ट फीलिंग है। हैदराबाद में बहुत अच्छे तरीके से शोज इंक्रीज हो रहे हैं, फिल्म के पास 80 शोज हो चुके हैं, जिसमें से 3 फास्ट फीलिंग है और 5 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। कोलकाता की अगर आप बात करें तो कोलकाता में बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, फिल्म के पास 160 शोज हो चुके हैं, 4% की ऑक्यूपेंसी है, जिसमें से 10 ऑलमोस्ट फुल है और लगभग 15 फास्ट फिलिंग है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो यहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जहां फिल्म के पास कल तक लगभग 150 शोज थे, वहां आज फिल्म के पास लगभग 250 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, फिल्म की 7% की ऑक्यूपेंसी है, जिसमें से 3 ऑलमोस्ट फुल है और लगभग 5 फास्ट फिलिंग है। सूरत की हम बात करें तो सूरत में बेहतरीन तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, यहां पे बहुत तेजी के साथ शोज इंक्रीज हो रहे हैं, फिल्म के पास 180 शोज हो चुके हैं सूरत में, यहां पे 5% की ऑक्यूपेंसी है, 5 शोज जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं, जिसमें से 7 फास्ट फिलिंग है। जयपुर की अगर बात करें तो यहां पर पहले ही दिन से बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, यहां पर सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी फिल्म ने दर्ज की है, फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी यहां पे लगभग 28% की है, फिल्म के पास 150 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट कम से कम 18 फुल हो चुके हैं और 25 यहां पे फास्ट फिलिंग है। चंडीगढ़ में बहुत बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, कल तक फिल्म के पास उतने ज्यादा शोज नहीं थे, लेकिन चंडीगढ़ में फिलहाल 10% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 80 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, जिसमें से 3 ऑलमोस्ट फुल है और 5 फास्ट फिलिंग है। भोपाल में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा लखनऊ में फिल्म ने तमाम बड़े रिकॉर्ड अभी तक अपने नाम किए, फिल्म के पास लगभग 150 से ज्यादा शोज लखनऊ में हो चुके हैं, 6% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म ने अभी तक जो रिकॉर्ड दर्ज किया है लखनऊ के अंदर, उम्मीद है कि आने वाले 6 से 7 दिनों में ये रिकॉर्ड और तगड़ा होने वाला है। मैसूर देवानगरी की हम बात करें तो यहां पे अभी फिल्म के पास ज्यादा शोज नहीं है, अबोहर में भी अभी ज्यादा शोज नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये शोज इंक्रीज होंगे। लेकिन फिलहाल अहमदनगर की हम बात करें तो यहां पे बहुत अच्छे तरीके से शोज इंक्रीज हो रहे हैं, जहां फिल्म के पास कल 10 शोज थे, आज फिल्म के पास यहां पे 25 शोज हो चुके हैं। अजमेर की हम बात करें तो अजमेर में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है, अजमेर में कल तक कोई ज्यादा शोज उतने खास नहीं थे फिल्म के पास, लेकिन अभी फिल्म के पास 40 शोज अजमेर से भी हो चुके हैं। अकबरपुर अगर अकोला की हम बात करें तो अकोला से बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, यहां पर लगभग 14% की ऑक्यूपेंसी है, 25 शोज है फिल्म के पास, जिसमें से ऑलमोस्ट 4 फुल हो चुके हैं। अलीगढ़ की हम बात करें तो दोस्तों अलीगढ़ से बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, यहां पे सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी फिल्म के पास है, लगभग 27% की ऑक्यूपेंसी फिल्म ने दर्ज की है, जिसमें से फिल्म के पास लगभग 40 शोज है, जिसमें से 5 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और यहां पे 7 फास्ट फिलिंग है। अल्मोड़ा में अभी उतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अलवर में भी फिलहाल उसी तरह का हाल है, कोई ज्यादा खास शोज नहीं है फिल्म के पास। अंबाला से अगर मैं बात करूं तो अंबाला से बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, फिल्म के पास लगभग 8% की ऑक्यूपेंसी है, यहां पे फिल्म के पास 15 शोज है, अभी उसमें से कोई भी फुल नहीं है और कोई भी फास्ट फिलिंग नहीं है। इसके अलावा अमरावती से अमृतसर से बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, यहां पे फिल्म के पास बहुत अच्छे शोज है, अमरावती में फिल्म के पास लगभग 40 से ज्यादा शोज हो चुके हैं, अमृतसर में भी फिल्म के पास 40 से ज्यादा शोज हो चुके हैं। अगर हम आनंद की बात करें तो दोस्तों आनंद में 3% की ऑक्यूपेंसी है, फिल्म के पास 25 शोज है, जिसमें से 3 ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। तो ये बहुत बढ़िया रिपोर्ट आ रही है गदर 2 की एडवांस बुकिंग की, मुझे लगता है कि जब सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी, फिलहाल फिल्म की जो टोटल एडवांस है वो दोस्तों 4,60,00,000 रुपए हो चुकी है, 4,60,00,000 रुपए, फिल्म को रिलीज होने में अभी भी लगभग 6 दिनों का टाइम बाकी है। तो उम्मीद है कि जब तक ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग ये फिल्म हमें करती हुई नजर आएगी और फिल्म का जो फर्स्ट डे पर कलेक्शन रहेगा वो रहेगा लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी क्या उम्मीदें हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।